देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। हिंदू एकता के उद्देश्य को लेकर श्री परशुराम सेना मध्य प्रदेश द्वारा 30 जुलाई रविवार को परशु भोले कावड़ यात्रा का आयोजन राजवाड़ा अहिल्या माता प्रतिमा से इंद्रेश्वर महादेव मंदिर तक किया गया। परशु भोले कावड़ यात्रा में 11 नदियों के जल से इंद्रेश्वर महादेव का और मां अहिल्या का जलाभिषेक किया गया है। माता को चुनरी ओढ़ाकर पुष्पमाला पहनाकर पूजन किया गया। परशुराम सेना मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पंडित अनूप शुक्ला और शहर अध्यक्ष पंडित दीपक शर्मा। दीपक शुक्ला ने बताया कि कावड़ यात्रा हिंदू एकता को लेकर आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज और अन्य समाज के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। यात्रा में एक भजन मंडली श्रीधर झरकर और विशाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में चल रही थी। इस अवसर पर मुख्य रूप से सर्व ब्राह्मण समाज से पंडित प्रकाश व्यास, अशोक चतुर्वेदी, परशुराम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा, श्री हंसदास मठ के पंडित पवनदास महाराज, ब्राह्मण सेवा संगठन से पंडित सत्येंद्र शर्मा, पिंटू जोशी, जितेंद्र व्यास, मुकेश शर्मा मामा जी, चार भुजा सेवा समिति से घनश्याम वैष्णव, अजय दीक्षित, गौतम तिवारी, प्रेम बागौरा, विनोद द्विवेदी, गुड्डू दुबे, सुनील वाजपेयी, सुनील दीक्षित, अनिल शर्मा, प्रमोद मामा, दीपू मिश्रा, परशुराम सेना महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा शर्मा के नेतृत्व में प्रमिला शर्मा, संगीता शर्मा, नंदिता शर्मा, मोनिका शर्मा, जया तिवारी, इंदु पांडे सहित अनेक मातृशक्ति उपस्थित हुई। परशुराम सेना इंदौर महानगर के महासचिव राजेश दुबे ने बताया कि परशुराम सेना की समस्त इकाइयां मंगल पांडे, जिला तिलक नगर इकाई, सुदामा नगर इकाई और राव इकाई के समस्त साथी सम्मिलित हुए। हिंदू एकता के लिए निकाली गई इस यात्रा में वैश्य समाज से हरीश विजयवर्गी, राजेश विजयवर्गी, योगेश जैन, नीरज देसाई, निर्भय खंडेलवाल, विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी, मुकेश यादव, देवेंद्र सिंह यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यात्रा का स्वागत प्रिंस यशवंत रोड पर सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बैग द्वारा, वहीं सिख समाज द्वारा सन्नी टुटेचा द्वारा गुरुद्वारे से किया गया। साथ ही धनगर समाज के अभिषेक गावड़े द्वारा, मुस्लिम समाज से शकील भाई व साथियों द्वारा किया गया। वैश्य समाज के श्री निर्भय खंडेलवाल, विवेक खंडेलवाल, हरीश विजयवर्गी के स्वागत नेतृत्व में स्वागत किया गया। अंत में मंदिर परिसर पर सतीशपुरी द्वारा सभी ब्राह्मण शक्ति का पुष्पमाला से स्वागत एवं स्वाल्पहार किया गया। परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सेना द्वारा पहली बार कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि पूरी तरह सफल रहा। आज माँ अहिल्या की नगरी में माँ अहिल्या की प्रतिमा का जलाभिषेक कर 11 नदियों से, 7 नदियों का पानी तो जाना पाव जहाँ पे भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली है वहीं से उद्गम होता है, तो वह 7 नदियों का पानी तो वहाँ से कुंड से मंगाया गया और 3 नदियों का पानी हमारे गंगा, जमुना, सरस्वती जो वहाँ से प्रयागराज जी से मंगाया गया और नर्मदा जी का जल यहाँ पर हमें क्षेत्रीय पार्षद ने अवेलेबल कराया है। इस तरह से 11 नदियों के पानी से हम लोग यहाँ जलाभिषेक माता जी का पहले किया है और हिंदू एकता की भावना को लेकर हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि समग्र समाज में जो भी है, अगर कोई भी सृष्टि चली आई है शुरू से जो चीज़ों की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को गड़बड़ करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा जातिवाद इतना फैला दिया गया है कि अन्य समाज के लोगों को लगता है कि ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं पे इस जातिवाद में ज़्यादा सक्रिय है। उसी के लिए हिंदू एकता के लिए हम लोग यहाँ से इंद्रेश्वर महादेव, जबकि जो माहिल्या थी, जब यहाँ पर पानी नहीं गिरता था तो इंद्रेश्वर इंद्र भगवान के यहाँ जाके उनको पानी में डुबा के पूजा करती थी। अगले ही दिन इंद्र भगवान प्रसन्न होकर यहाँ पर पानी बरसाते थे। उसी कामना के साथ में सर्वे भवंतु सुखिना की भावना को लेकर हम लोग यह कावड़ यात्रा आज निकाल रहे हैं यहाँ से। यह परशुराम सेना द्वारा पहली बार ही आयोजन किया जा रहा है और लगभग 450 लोग इस यात्रा में सम्मिलित होंगे, जिसमें मातृशक्ति भी अच्छी संख्या में है और हमारे सभी ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण और ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जन, आदरणीय गोविंद जी शर्मा जी हों, सत्येंद्र जी शर्मा जी हों, प्रकाश व्यास जी हों, हमारे भाई दीपक शर्मा अध्यक्ष, दीपक शुक्ला जी, सभी लोग मिलकर इस यात्रा को संपन्न। गृह मंत्री जो वो जाना पाव जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे परशुराम?
देखिए, अगर गृह मंत्री जी को मिलना था तो ब्राह्मण समाज के समग्र सभी प्रमुख लोगों से वहाँ पर भेंट करनी थी। देश के गृह मंत्री है, ब्राह्मणों की बात को उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, पर गिनती के 10 या 12 लोगों से वो वहाँ पर भेंट कर रहे हैं और जाना पाव में जाकर पूजा कर रहे हैं। इससे ब्राह्मण समाज कहीं भी बरगलाएगा नहीं, क्योंकि आर्थिक रूप से जो आरक्षण वाला 10% DWS का विषय है, उसके लिए ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है।